मौसम में बदलाव के साथ ही पीलिया, मलेरिया, डेंगू बीमारियों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। अलवर न्यूज के रिपोर्टर मनोज कुमार वर्मा को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि गर्मी जैसे ही चालू होती है ऐसे में बीमारियों का प्रकोप चालू हो जाता है। पीलिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बीमारियां होने लग जाती है। बताया गया कि आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, सप्ताह में एक बार कूलर, टंकी, चिड़िया के परिंडे का पानी भी समय पर बदलते रहना चाहिए। ज्यादा समय बाद इनमें लार्वा पैदा होने लग जाते हैं जो हर 7 दिनों में मच्छर बनने लग जाते हैं, जिससे डेंगू मलेरिया बीमारी फैलती है। ज्यादा पुराने पानी को ना छोड़ें, समय समय पर साफ करते रहें। इससे बचने के लिए पूरे वाह की शर्ट पहनें और यदि बुखार आए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। डेंगू मलेरिया की जांच करवाएं। गर्मी आती है तो लू चलने लग जाती है, ऐसे में पानी की बोतल साथ रखें, सर पर कपड़ा या टोपी पहनकर बाहर निकलें। गर्मी में पेय पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, भरपूर पानी पीना चाहिए जिससे कि शरीर में पानी की कमी महसूस ना हो। देखिए सर, सीजनल डिजीज जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं उस समय पीलिया और आपका मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इस तरह के जो फीवर हैं वो होने लग जाते हैं। तो मेरा यही है कि जन जागरूकता बनाए रखें, घर के आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें, प्रत्येक सप्ताह अपने घर में कूलर, टंकी, परिंदे, पक्षियों को पीने के लिए जो पानी आदि रखते हैं उनकी साफ सफाई करें, उनके हफ्ते में एक बार जरूर सुखा लें। उसके अतिरिक्त घर के आसपास की नालियों में, खड्डों में अगर आपको कहीं भी लार्वा नजर आता है, एक छोटी सी गिंडार टाइप होती है, वो बड़ा होकर के मच्छर बन जाती है 10 से 12 दिन में, उसको तुरंत प्रभाव से नष्ट करें। उसके अतिरिक्त पूरी वाह के कपड़े पहनें और अगर सर्दी लग करके बुखार आ रहा है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, मलेरिया और डेंगू की जाँच कराएँ और उचित इलाज लें। खास करके अभी जैसे लू वगैरह चलेंगी, गर्मियां आने वाली हैं ज़्यादा, तो आप उसके लिए भी खान पान का विशेष ध्यान रखें, पेय पदार्थ लें, छाछ आदि का सेवन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, बहुत ज़्यादा धूप में घर से बाहर ना निकलें, सर को ढक करके रखें, ये सब चीज़ें अपनाएं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रोकथाम से ज़्यादा रोक सकते हैं। बीमार पड़ने से बढ़िया है कि हम उसका पालन कर लें तो हम बीमार पड़े ही ना, और वो अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर चीज है। मलेरिया क्या क्या लक्षण है सर? जैसे मलेरिया में सर शुरुआती दौर में बुखार आना, सर्दी लग के बुखार आना, उल्टी होना, भूख नहीं लगना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सब मलेरिया के लक्षण हैं। और बुखार जो इसमें होता है पीरियोडिकल आता है, जैसे हर 24 घंटे में बुखार आएगा शुरुआती दौर में, तो उससे हम समझ जाना चाहिए कि पूरे दिन ठीक रहा और फिर 24 घंटे में बुखार आया तो मलेरिया का लक्षण हो सकता है।